गाइज आज हमें डिस्कस क्या करना है, आज हमें डिस्कस करना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है इन इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट गाइज, सिंबल है सी। इसकी ट्रिक्स क्या है देख लो, इसका इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। ट्रिक्स क्या है देख लो, ट्रिक्स है क्यू सी टी। मेरे साथ बोलना है क्यू सी टी, क्यू सी टी। सी टी क्यों मार रहे हो भाई, है ना, क्यू सी टी, है ना, ये इसकी मीनिंग है। क्यू मीन्स वॉट, क्यू मीन्स क्यू, सी टी, सी टी डेल्टा टी, है ना, सी डेल्टा टी, दैट इज क्यू सी टी इज अ ब्रांडेड ट्रिक्स ऑफ वॉट, हीट कैपेसिटी। क्लियर है? उसके बाद वट इज मीन्स बाय द हीट कैपेसिटी। अभी यहां पे क्या है भाई, क्यू मीन्स वॉट, क्यू मीन्स हीट, सी मीन्स वॉट, और ये क्या है टेम्परेचर है। क्यू एंड हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, हीट कैपेसिटी है। मीन्स वॉट, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, अंडरस्टैंड कर लो, इसकी डेफिनेशन क्या अंडरस्टैंड कर लो। ये क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होती है वो सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। जो भी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है ना, उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी, वो एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस का 1 डिग्री से उसका हीट बढ़ाना है, वो हीट को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन समझ में आई ना? क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ सब्सटेंस, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। अभी यहाँ पे गाइस ये क्या है, क्यू सी टी इज अ ब्रांडेड ट्रिक्स ऑफ हीट कैपेसिटी। क्यू क्या है भाई, क्यू इज वॉट, हीट है। सी क्या है भाई, ये सी इज वॉट, हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी इज वॉट, टेम्परेचर चेंज। पॉइंट क्लियर है भाई? तो इसको हम रीशफल करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी आर डिस्कसिंग वॉट, वी आर डिस्कसिंग हीट कैपेसिटी। हम हीट कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें क्या दिया, हमें हीट कैपेसिटी की इजिकल टू इक्वेशन क्या होगा वो देखना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये सी इजिकल टू क्या होगा, फिर सी इजिकल टू क्या होगा भाई, ये इक्वेशन को सी इजिकल टू, सी इजिकल टू क्यू बाय डेल्टा टी। पॉइंट क्लियर है भाई? हाँ ना, यस नो, समझ में आया क्या, ये स्लाइड क्लियर हुई क्या स्वप्निल, स्लाइड क्लियर है प्रथम, स्लाइड क्लियर है, यस नो, पॉइंट क्लियर है? हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट वॉट, सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली एनर्जी और हीट, उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। उसकी ब्रांडेड ट्रिक्स क्या है भाई, उसकी ब्रांडेड ट्रिक्स है क्यू सी टी, क्यू सी टी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू वॉट, सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। क्लियर है? चला प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इसके बहुत सारे टाइप्स है भाई, इसके क्या है, बहुत सारे टाइप्स है। कौन कौन से भाई, यहाँ पे देखना है ना। पहली टाइप है गाइस मोलार हीट कैपेसिटी, पहली टाइप क्या है भाई, मोलार हीट कैपेसिटी, है ना, यहां पे देखना है। मोलार हीट कैपेसिटी, है ना गाइस, मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, यहां पे क्या आया, वर्ड कौन सा आया है, मोलार आया है, देखो मोलार आया है, मोलार आया तो क्या होना होगा फिर, मोल बड़े, मोल की टर्म आएगी ना भाई। तो क्या है इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वहां पे क्या था, नॉर्मल सब्सटेंस था, प्रीवियस स्लाइड में क्या था भाई, नॉर्मल सब्सटेंस था, ये सब्सटेंस का अमाउंट दिया नहीं था। यहां पे क्या दिया है, यहां पे एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया है ऑफ व्हाट, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना, मीन्स व्हाट, उसे क्या बोलते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय व्हाट गाइस, इट इज डिनोटेड बाय सीएम, सी बेस को एम लिखते भाई, इसे क्या लिखते हैं, सी एम। हमने यहां पर भी देखा था हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था, क्यू अपॉन डेल्टा टी था ना, है ना। अभी सी की जगह पे क्या आएगा फिर, सी एम आएगा, और क्यू अपॉन ये डेल्टा टी है ना, यहां पे एन इंटू डेल्टा टी लिखो, क्यू बोलो यहां पे, तो यहां पे ये जो एन है, एन क्या है भाई, मोल है, ये मोल की टर्म्स बढ़ेगी यहां पे इक्वेशन में, समझ में आ रहा है क्या, एन डेल्टा टी। क्लियर है ना, यस नो, क्लियर है ना, एन इज वॉट, नथिंग बट मोल गाइस, दैट इज कॉल्ड एज वॉट, मोलार हीट कैपेसिटी। पॉइंट क्लियर है भाई? स्लाइड नंबर सेकंड क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट हीट कैपेसिटी है, वो हीट कैपेसिटी का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो हीट कैपेसिटी का नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट, सी एस, है ना,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट? सीएस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरे साथ बोलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, मेरे साथ बोलना है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वन डिग्री ऑफ वन ग्राम सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या था, यहां पे वन मोल था ना, यहां पे क्या दिया भाई, ग्राम दिया है, एक ग्राम का एक डिग्री एनर्जी बढ़ाने के लिए है ना, एनर्जी बढ़ाना है, तो इसे क्या बोलते भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? सीएस। कंप्यूटर साइंस नहीं भाई, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? सीएस। इसकी सिंबल क्या है? सीएस। अभी हमें तो पता है भाई, हमें हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना, ये तो इक्वेशन पता है। तो हीट कैपेसिटी मींस व्हाट? हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय सीएस, क्यू अपॉन डेल्टा टी तो लिखना ही है, इसको ओनली क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? डब्ल्यू। मल्टीप्लाई व्हाट? डब्ल्यू। डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है, क्यों बोलो डब्ल्यू? क्योंकि हमें एक ग्राम सब्सटेंस का एक डिग्री बढ़ाना है, स्पेसिफिक है ना भाई, क्या है ये, स्पेसिफिक है, पॉइंट क्लियर है भाई। दैट इज व्हाट, सीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी, पॉइंट क्लियर है भाई, ये तो ये लिख सकते हो आप, पॉइंट क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है क्या? यस ना। डब्ल्यू इज व्हाट, वेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, ये स्लाइड क्लियर है क्या? यस नो, ये स्लाइड क्लियर है। हमने तीन हीट कैपेसिटी देख लिया, पहली हीट कैपेसिटी कौन सी, वो नॉर्मल हीट कैपेसिटी, उसके बाद हमने क्या देखा, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके बाद हमने क्या देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट? सीएम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट? सीएस। बाकी कुछ नहीं भाई, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हीट कैपेसिटी में ओनली डेल्टा टी है, मोलर हीट कैपेसिटी में यहाँ पे एन है, स्पेसिफिक में डब्ल्यू है, एन डब्ल्यू है, वो ओनली यही डिफरेंस है ना, क्लियर है? अभी जाएंगे आगे, अभी नेक्स्ट टर्म है भाई, है ना, अभी नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म अंडरस्टैंड कर लो, ये क्या बोल रहा है, देखो, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बहुत सारे हीट कैपेसिटीज है भाई, आधा घंटा एक घंटा चलने वाला लेक्चर है ना, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बहुत बड़ी टर्म है हीट कैपेसिटी नाम की, है ना, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसे इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कॉन्स्टेंट प्रेशर बोला है ना, तो डिनोट किससे करते भाई, सीपी से करते, किससे करते हैं, सीपी से, सी और बेस को पी लिखने का, इसकी मीनिंग क्या होती है, बेस को पी लिख रहे मीन्स व्हाट, कॉन्स्टेंट क्या है, प्रेशर है, हीट कैपेसिटी एट व्हाट, कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी स्टैंड फॉर व्हाट, हीट कैपेसिटी, पी स्टैंड फॉर व्हाट, कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सीपी इज इक्वल टू, है ना, इधर देख लो भाई, हमें क्या पता है भाई, सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या है, डेल्टा टी है ना भाई, अभी सीपी बराबर सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे पी रखो, काम खलास ना, आया ना इक्वेशन ही, सीपी इज इक्वल टू क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, क्यूपी इज नथिंग बट व्हाट, क्यूपी मीन्स क्या होता है, डेल्टा एच ना, आइसोबारिक प्रेशर, हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, क्यूपी मीन्स व्हाट, क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच होता है, क्यूपी इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा एच, तो इक्वेशन ये कैसा होगा, सीपी इज इक्वल टू क्यूपी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्यूपी इज व्हाट, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, QP इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच होगा, तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन टी होगा ना भाई, क्लियर है क्या, ये स्लाइड क्लियर है क्या, यस नो, कुछ है यहाँ पे, कुछ दिक्कत है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा भाई, मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट क्या होगा, प्रेशर ही चल रहा है भाई, अभी ना, हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर में हमने कितने के, सुनो यहाँ पे, इधर देखना है, हमने हीट कैपेसिटी कितना देखा, नॉर्मल हीट कैपेसिटी देखा, हीट कैपेसिटी है ना, नॉर्मल देखा, दूसरा कौन सा देखा, मोलार हीट कैपेसिटी है ना, मोलार हीट कैपेसिटी देखा, बाद में क्या है भाई, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पॉइंट क्लियर है, तो अभी ये तीन है ना, अभी ये तीन टर्म नॉर्मल हो गए, अभी क्या हो गए, और तीन आने हैं भाई, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अभी तीन आने हैं, दैट इज व्हाट, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अभी ये हुए तीन, तीन तीन छः हो गए ना, सिक्स हो गए, तो अभी उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इतने हीट कैपेसिटी के हमें इक्वेशन देखना है। उसके बाद एंट्रोपी के भी कुछ हीट कैपेसिटी के इक्वेशन है। समझ में आ रहा है क्या? है ना, बहुत बड़ा कंटेंट है भाई। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अभी 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 है ना, ये हुआ। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं भाई? इधर देख लो, मोलर हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करते हैं? सीएम से करते हैं ना। कॉन्स्टेंट प्रेशर मीन्स वॉट? सीपी कर लो, सीपीएम और सीएमपी। ऐसे भी लिख सकते हो, सीपीएम भी लिख सकते हो और सीएमपी भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। इसकी मीनिंग क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म। सीएमपी और सीपीएम दोनों में से कौन से भी ले सकते हो आप, कौन सा सिंबल करना है आपकी मर्जी है। तो सीएमपी और सीपीएम इज इक्वल टू व्हाट? क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी, है ना। मोलर है ना भाई, ये क्या है? ये मोलर है, एन डेल्टा टी। सीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूपी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, है ना, सेम ही है। तो सीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूपी इज नथिंग बट व्हाट? डेल्टा एच। ये याद ही रखना है भाई, क्यूपी क्या होता है? क्यूपी क्या होता है? डेल्टा एच होता है। क्यूवी क्या होता है? क्यूवी क्या होता है? आइसोकोरिक के लिए याद होना चाहिए, है ना, मान हलवाच नहीं आल पाजे सगळं। क्यूवी क्या होता है? ये बेसिक टर्म्स है भाई थर्मोडायनामिक्स के। क्यूवी क्या होता है? डेल्टा यू होता है। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी ना, देख लो ना भाई, आइसोकोरिक का देख लो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। क्यूवी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू होता है। क्यूपी मीन्स डेल्टा एच, क्यूवी मीन्स डेल्टा यू, पॉइंट क्लियर है। तो एक इक्वेशन क्या हुआ भाई? सीपीएम इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एल डेल्टा एल टी, पॉइंट क्लियर है। कुछ यहाँ पे दिक्कत है? कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स वॉट? हाँ, सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। ये इक्वेशन है ना भाई, हमने यहाँ पे भी देखा था। सी एस इज इक्वल टू वॉट? सी एस इज इक्वल टू मीन्स वॉट? कंप्यूटर साइंस से क्या अजय, क्या है ये? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मीन्स वॉट? एक ग्राम सब्सटेंस का एक डिग्री से एनर्जी बढ़ाना, एक ग्राम सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी में एक मोल सब्सटेंस की एक डिग्री से बढ़ाना। हाँ, सी एस इज इक्वल टू वॉट? क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। अभी इसका एट कॉन्स्टेंट क्या है भाई? प्रेशर। तो इसे क्या बोलते हैं? सीपीएस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं सीपीएस। क्या बोलते हैं? सीपीएस। सीपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूपी अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। सीपीएस इज इक्वल टू क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। बस होगा इक्वेशन गाइस। ये क्या बोलते हैं? सीपीएस इज वॉट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कुछ है इसमें? कुछ नहीं भाई, सभी सेम ही है ना, सभी क्या है? सेम ही है। इसके बाद हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट वॉट? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अभी हमने क्या देखा? छह देखा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो बाद में और तीन देखा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अभी तीन देखना है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखना है भाई, पॉइंट क्लियर है ना। यहाँ पे देखना है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे क्या होता है? सीवी। सीवी मीन्स वॉट? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ना, वी छोटा है ना भाई, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट? क्यू वी अपॉन डेल्टा टी। क्यू वी अपॉन डेल्टा टी, क्यू वी इज नथिंग बट वॉट? डेल्टा यू, दैट इज वॉट? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो सी वी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू वी की जगह पे डेल्टा यू। सी वी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ये अपना इक्वेशन मिल जाएगा हीट कैपेसिटी, है ना। अभी ये कैसा आया वो बताया, यहाँ पे इधर देख लो, यहाँ पे QV इज इक्वल टू डेल्टा यू कैसा आया? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उषा क्यों वागीशा? उषा क्यों वागीशा? डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो ना, आइसोकोरिक के लिए। ये आइसोकोरिक है ना भाई, ये क्या है? आइसोकोरिक है ना। डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी एक्स डेल्टा V। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू वी माइनस पी डेल्टा वी। ये टर्म जीरो हो जाएगी तो ये क्या होगा? क्यू वी बचेगा ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखा था फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो क्यू डेल्टा यू इज नथिंग बट क्यू वी, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट क्लियर है? यस नो, ये क्या है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
मोलर हीट कैपेसिटी एट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस व्हाट गाइस? अंडरस्टैंड कर लो, आगे जाना भाई. इसे डिनोट क्या करते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट. मोलर हीट कैपेसिटी डिनोट कैसे करते हैं? सीएम से करते ना. सीएम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी. ये नॉर्मल मोलर हीट कैपेसिटी का है, लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे क्या डिनोट करते हैं? सीवीएम. इसे क्या बोलते हैं भाई? सीवीएम. सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी. इसका इक्वेशन होगा. पॉइंट क्लियर है? यस नो. इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे क्या होगा? सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी, है ना. सी एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी. क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? CVS, CVS होगा ना. CVS means what? CVS or SV, है ना. CVS is equal to what? QV upon W delta T. CVS is equal to delta U divided by W delta T. Point clear है भाई? हाँ ना. Clear है क्या? Clear है ना? बाकी सब कुछ नहीं भाई, सब कुछ ऐसे अच्छे. Simple है, simple है, simple है. बाद में एक brush equation है. कौन सा? Mayer brush equation. कौन सा है? मेरे साथ बोलना है. मायर ब्रश इक्वेशन. ये इसकी ट्रिक्स क्या है भाई? ट्रिक्स इधर देख लो. अपने यहाँ पे लातूर में कौन सा थिएटर है? बड़ा थिएटर कौन सा है? पीवीआर. ये नीट का पीवाई क्यों भाई? 2021 का शॉर्टकट है भाई. पीवीआर मीन्स व्हाट? इधर देख लो. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू व्हाट? आर ना. दैट इज मायर ब्रश इक्वेशन. डायरेक्ट इक्वेशन पूछा था कहां पे? नीट 2021 में. अरे बहुत इजी पूछते भाई, आना चाहिए हमें सब कुछ. अरे सभी सवाल एमसीक्यू के आसानी होते क्योंकि आपके सामने होते ना वो. तुक्का मार दिया तो 25% करेक्ट लगने के चांसेस होते हैं, बराबर ना. नजरिया चाहिए वैसा, लेकिन हमारा नजरिया कहां होता है? जहां पे गलत है वहां पे हम है, बराबर ना. जहां पे गलत है वहां पे हम है. पॉइंट क्लियर है भाई? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मायर ब्रश इक्वेशन. क्या इक्वेशन है सुदेश? अरे इक्वेशन नाम मत बोलो, इक्वेशन बोल दो. पीवीआर थिएटर. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. पीवीआर सीपी सीवी. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314. ये गैस कॉन्स्टेंट है. आर इज व्हाट? गैस कॉन्स्टेंट. इसके वैल्यूज बहुत सारे है. कैलोरी में दिया तो दो लेना इसकी वैल्यू. आर की वैल्यू कितना लेना भाई? कैलोरी में दिया तो दो लेना है कैलोरी में, है ना. कैलोरी में दिया तो. और दूसरे भी बहुत सारे यूनिट्स है, वो मैं बताऊंगा आगे आगे. 8.314 ये वैल्यूज है, है ना. बहुत सारी इसकी यूनिट्स है. 0.82 भी है इसकी वैल्यूज है. मैं आगे आगे जाके इसके जब कैलकुलेशन रहेगा तब तो मैं बताऊंगा. पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कुछ दिक्कत है? यस नो. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई आज का क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चल रहा है अभी. इधर देखना है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस गाइस. यहां पे क्या है भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस. है ना. अभी जाना है भाई. हाँ मेरे साथ बोलना है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस जोर से बोलना. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है भाई? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है. क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है. अभी यहाँ पे दो तीन इक्वेशन याद रखना आपको, रटना इक्वेशन. ये इक्वेशन सभी फिजिक्स में यूज होने वाले, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स आल्सो प्रेजेंट इन द फिजिक्स, है ना. यहाँ पे जितनी काम की चीजें मैं उतनी बताऊंगा. तीन इक्वेशन बता रहा हूं, तीन इक्वेशन रटना है भाई. इधर देखना है दामन का भी, इधर देख,
हाँ ना इधर देखना भाई, पहले यहाँ पे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मेरे साथ बोलो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 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 देन 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 है ना टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थर्ड 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 इक्वेशन पी गामा माइनस वन टी गामा, पी गामा माइनस वन मेरे साथ बोलना है, पी गामा माइनस वन टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डायरेक्टली इक्वेशन रटना है भाई, ये डायरेक्टली इक्वेशन क्या करना है रटना है, ये फिजिक्स में आएगा आपको, फिजिक्स में फिजिक्स से सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, ये तीन इक्वेशन क्लियर हुए, ये गामा क्या होता है मैं बताता हूँ, सुनो यहाँ पे गामा इज नथिंग बट वॉट पॉइजन रेशियो गाइस, गामा इज नथिंग बट वॉट पॉइजन रेशियो, मेरे साथ बोलना है गामा क्या होता है, गामा क्या होता है, गामा क्या होता है पॉइजन रेशियो, क्या होता है सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, क्या होता है भाई सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ये मोनोएटॉमिक डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक के लिए देखना है भाई, मोनोएटॉमिक डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक के लिए क्या करना है देखना है, तो आगे वाली स्लाइड देखते भाई, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे गामा इज वॉट, गामा कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना घूम रहा है वो है ना, गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं, गामा ऐसे कैलकुलेट करते भाई, ये तो हुआ गामा का इक्वेशन क्या था भाई, रेशियो है ना भाई सी पी अपॉन सी वी का रेशियो है, क्लियर है ना, एक तो एक हो गया, लेकिन गामा आपको निकालना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी आप निकाल सकते हो, इसका इक्वेशन क्या है गामा इज इक्वल टू, इधर देख लो भाई गामा इज इक्वल टू क्या है, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय एफ, वन प्लस टू बाय एफ, ये इक्वेशन है ना गामा का, यहाँ से गामा आप निकाल सकते हो, यहाँ पे एफ इज वॉट, एफ इज नथिंग बट वॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज नथिंग बट वॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आया क्या, इक्वेशन क्या है गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय एफ, ये याद रखना है, यहाँ पे एफ इज वॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज वॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वॉट, दो टाइप के मोशन होते हैं भाई, एक होती है ट्रांसलेशन मोशन, एक क्या होती है ट्रांसलेशन मोशन, दूसरी क्या होती है रोटेशनल मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे तो बहुत सारे मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, सब कुछ है, लेकिन हमें थर्मोडायनामिक्स में ओनली दो मोशन का ख्याल करना है, एक कौन सी भाई, एक है टीएम, एक है टीएम ट्रांसलेशन मोशन, दूसरी क्या है भाई आरएम रोटेशनल मोशन, इतना ही याद रखना है भाई, है ना, बहुत सारे बुकलेट में बहुत सारे मोशन दे दिया है ना, काम की चीज मिनिमम एफर्ट्स में आगे जाना है अपन को, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने मोशन से निकालते भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन, पॉइंट क्लियर है ना, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग भी वैल्यू दे दिया है, बहुत सारे मोशन के दे दिया है, लेकिन मेन ये दो होते, हमें थर्मोडायनामिक्स ओनली फॉर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स में ले बहुत सारे मोशन मिलेंगे, फिजिक्स में ये पढ़ना है आपको डीपली, तो आप ट्वेल्थ में है गाइस, है ना, यहाँ पे ये क्लियर है, हाँ स्वप्निल सोना नहीं है भाई, है ना इधर देखना भाई, है ना यहाँ पे सी वी इक्वल टू इक्वेशन है गाइस, सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू, मेरे साथ बोलो सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू, सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू, सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू, अभी है ना सी वी की वैल्यू क्या है, एफ आर बाई टू है, याद रखना है बहुत बड़ा इक्वेशन है ये, सी वी की वैल्यू क्या है एफ आर बाई टू है, सी अभी ये हुआ सी वी की वैल्यू गाइस, सी पी की वैल्यू कैसे निकालते, सी वी है ना सी वी में दो ऐड किया तो क्या मिलता है सी पी, तो सी पी की वैल्यू क्या है सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस टू, सी वी निकाल दिया इक्वेशन से तो सी पी निकालना है आपको, जो भी इक्वेशन में आया ना भाई उसमें क्या ऐड करने का, दो ऐड करने का, तो सी पी इज इक्वल टू क्या होगा एफ आर बाय, है ना क्लियर है ना, क्लियर है यस नो, अभी यहाँ पे देना है भाई, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वप्न सोना नहीं है ना, क्या है भाई सोना नहीं, अभी यहाँ पे गामा क्या होता है भाई, गामा फॉर व्हाट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स व्हाट जो अकेले होते हैं ना भाई, मोनोएटॉमिक मीन्स व्हाट जो अकेले होते हैं, अकेले कौन होता है, हेमानिया आरती कीर्ति चिरोक्तरानी है ना, इनर्ट गैस एलिमेंट अकेले होते ना, अकेले होते उसको ना जोड़ीदार नहीं होता भाई, वो सिंगल ही होता है ना सिंगल लोग मिलना बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल हेमा नेहा आरती कीर्ति जेरोक्स है ना, रानी का लेना लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, गाइस इधर देख लो, अभी यहाँ पे
यहाँ से अपन को क्या निकालना है, पॉइजन रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें पॉइजन रेशियो निकालना है, किसका, फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, बाकी का कुछ नहीं आया तो चलेगा, ये स्लाइड याद रखना है आपको ओनली। पहला तो इक्वेशन सीवी का क्या है, एफ आर बाई टू, सीपी का क्या है, सीवी प्लस टू, ये दो ही इक्वेशन याद रखना है, बाकी कुछ इक्वेशन याद नहीं तो भी चलेगा, आपको ओनली ये दो इक्वेशन याद रखना है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, कैलकुलेटिंग गामा, गामा 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 को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। गामा को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। इधर देख लो भाई, ये इसके लिए सीवी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सीवी इज इक्वल टू है ना, फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूँ, सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, एफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, सीवी निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ की, एफ इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अभी ट्रांसलेशन मोशन कितने होते हैं, रोटेशनल मोशन कितने होते हैं, एक ही सिंगल बंदा भाई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ना कैमरे की बैटरी है ना, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ये तीन एक्सिस से घूम है ना, ट्रांसलेशन मोशन तीन एक्सिस से होती है ना, मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक है ना, तीनों भी तीन है ना, मोनो डाय ट्राई, तीन हम कंडीशन देखने वाले आज के लेक्चर में, तीनों के लिए भी ट्रांसलेशन मोशन तीन ही लेना है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ट्रांसलेशन मोशन है ना एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग होती है, तो इसलिए इसकी इसकी वजह से ट्रांसलेशन मोशन कितना ले, ट्रांसलेशन मोशन कितना लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते समय तीन ही लेना है, कितना लेना है, तीन ही लेना है ना। इसकी रोटेशनल मोशन कुछ नहीं होता भाई, सिंगल आटम आटम है, रोटेट नहीं होता, तो इसकी रोटेशनल मोनो एटॉमिक की रोटेशनल मोशन कितनी होती है, जीरो होती है, कितनी होती है, जीरो होती है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, थ्री हुआ, तो थ्री ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो ना भाई, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई, तीन आई ना, तीन यहाँ पे डाल दो, तो सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री आर बाय टू है ना, क्या आया, थ्री आर बाय टू, सी वी की वैल्यू है ना, एफ आर बाय टू है ना, एफ की वैल्यू कितनी आई, तीन आई, तो यहाँ पे क्या आया, थ्री आर बाय टू। अभी सी वी से सी वी निकला, सी वी निकला ना भाई, सी वी निकला, तो सी वी से क्या निकालना है, हमें सी पी निकालना है, सी पी के लिए क्या होता है, ये तो प्लस टू करना है ना भाई, ये कितना वैल्यू आई, थ्री आर बाई टू आई, इसमें दो ऐड कर दो, तीन में दो ऐड किया तो क्या होगा, फाइव आर बाई टू, यस नो, यस नो, थ्री आर बाई टू, फाइव आर बाई टू, क्लियर है। अभी पॉइजन रेशियो निकालना मीन्स व्हाट, सी पी बाय सी वी, पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, सी पी बाय सी वी ना, हमने पहले स्लाइड में देखा था भाई, पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, सी पी बाय सी वी, पॉइंट क्लियर है ना। तो अभी सी पी की भी वैल्यू आई है अपने पास, सी वी की भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू दोनों की पुट कर दिया, यहाँ पे क्या है भाई, सी पी की वैल्यू क्या है, फाइव आर बाई टू, सी वी की कितनी है, थ्री आर बाई टू है ना, इसको मल्टीप्लाई किया है ऊपर जाएगा तो दो दो कट हो जाएगा, आर आर कट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा क्या, फाइव बाय थ्री, दैट इज वॉट 1.66, दैट इज वॉट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 होती है, ये याद रखना है, ये रटना है, क्लियर है भाई, 1.66 मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 होती है, क्लियर हो रहा है, यस नो, आगे जाओ। अभी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जाना है धामन का भाई, इसके लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जाना है, गामा फॉर व्हाट, गामा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस व्हाट गाइस, डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस व्हाट, ये होता है क्या, H2N2O2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉइंट क्लियर है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना भाई ये है ना, यहाँ पे गामा इज, हाँ यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, एफ निकालना पड़ेगा, एफ इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन तो मैंने बोल दिया था कि तीनों के लिए मोनोडाय ट्राई के लिए कितना लेना है भाई, तीन ही लेना है ना, एक्स, क्योंकि ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ट्रांसलेशन मोशन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो इसकी ट्रांसलेशन मोशन कितनी होगी, तीन होगी, रोटेशनल मोशन इसकी कितनी होगी भाई, दो होगी, कैसे होगी भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ऐसा एक रोटेट करेगा और ऐसा एक रोटेट करेगा, तो रोटेशनल मोशन कितनी होती है भाई, दो होती है, पॉइंट क्लियर है भाई, तो इसका कितना हुआ, तीन प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, एफ की वैल्यू कितनी आई, फाइव, तो यहाँ पे सी वी की क्या होता है, एफ आर बाई टू, हाँ तो फाइव आर बाई टू इज इक्वल टू, सी पी की क्या होगी, दो ऐड करना है भाई, सी वी से दो ऐड करना है, सेवन आर बाई टू, तो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू आर, दोनों को डिवाइड कर दो ना, इसको इसको ना इससे डिवाइड कर दो, क्या होगा, गामा इज इक्वल टू बाय सेवन आर बाई टू डिवाइड बाय फाइव आर बाई टू है ना, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करके दो दो कट हो जाएगा, आर आर कट हो जाएगा, सेवन बाय फाइव दैट इज व्हाट 1.4, ये क्या हुआ, ए फॉर व्हाट, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू हो गई है ना, गामा की वैल्यू कितनी हुई भाई, 1.4 हुई, पॉइंट क्लियर है ना, ये क्लियर है, हाँ ना,
उसके बाद उसके बाद इसके बाद फॉर किसके लिए, फॉर ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल। ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स वॉट, SO2। SO2 में एटम्स कितने भाई, तीन है ना सुदेश, कितने है, तीन है, एक एस दो ओ, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल है ना भाई। यहां से हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, पहले क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है भाई। एफ क्या होता है, एफ इज नथिंग बट वॉट, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन कितने होते, तीन होते, रोटेशनल मोशन कितने होते, तीन होते भाई, तीन एंगल से ये घूमता है, याद रखना है। 0 2 3 0 फॉर वॉट, मोनोटिक मॉलिक्यूल है ना, रोटेशन है ना, याद आ रहा है क्या, रोटेशनल मोशन किस किस है ना, जीरो होता है किसके लिए, मोनोटोमिक के लिए। रोटेशनल मोशन दो होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल मोशन तीन होते हैं ट्रायटोमिक के लिए, वन नहीं होता वहां पे। 0 2 3 0 2 3 याद रखना है ना। इजिकल टू कितना हुआ, ये 6 हुआ। सीवी इजिकल टू क्या है भाई, एफ आर बाई टू, एफ की वैल्यू कितनी है, 6 है। सीवी इजिकल टू 6R/2, दैट इज वॉट 3R ना, ट्रिपल आर है ना। तो सीवी निकला, सीपी क्या होगा भाई, यहाँ पे दो ऐड किया तो क्या होगा, इसमें इसमें 6 + 2 8, 8R/2, सीपी इजिकल टू वॉट 4R, तो गामा इजिकल टू वॉट, सीपी अपॉन सीवी, 4R/3R, आर गेट कैंसल है ना, आर गेट कैंसल, 4/3 दैट इज वॉट 1.33। एक किसकी हुई, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल की गामा वैल्यू हो गई भाई, पॉइंट क्लियर है, ये ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल की क्या हुई, गामा वैल्यू हो गई, क्लियर है ना ज्ञानेश्वर। अब इसके बाद मेरा एक सवाल है भाई, CO2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, हमने क्या देखा, मोनोटोमिक, इधर देख लो, मोनो एटोमिक देखा, हाँ बोलो, मोनो एटोमिक की गामा वैल्यू कितनी होती है, 1.66 होती है। हाँ, बाद में हमने क्या देखा, डायटोमिक मॉलिक्यूल देखा ना, है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल गामा वैल्यू कितनी होती है, 1.44 होती है, और 4 ले लो। ट्रायटोमिक की कितनी होती है भाई, ट्रायटोमिक की कितनी होती है, 1.33 होती है, ये क्लियर है ना। तो अभी मेरे पास क्या सवाल, क्या है सवाल, स्टेट है भाई, सवाल स्टेट है, CO2 की वैल्यू कितनी होगी और क्यों होगी, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक क्या होगा, ये ना लॉजिकली ये होना चाहिए ना, 1.33 होना चाहिए, 1.44 क्यों, CO2 में मॉलिक्यूल कितने हैं, तीन है, तो कौन सा होगा अजय, ट्रायटोमिक, तो 1.44 क्यों बोल रहे हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ट्रायटोमिक है भाई, वैल्यू ट्रायटोमिक, ये बंदा ट्रायटोमिक है लेकिन दिखाता है डायटोमिक का है, एक्सेप्शनल केस है, ये दिखाता नहीं, अभी बोलो सर क्यों 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 क्यों, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री है ना भाई, हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करना जरूरी है। CO2 कैसा होता है, इधर देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये लीनियर होता है गाइस, क्या होता है, लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 180 होता है, तो इस यहां पे रोटेशनल मोशन कितने होंगे, दो ही होंगे ना, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये रोटेट कैसा करेगा, डायटोमिक जैसे ही करेगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 + 2 5 होगी, समझ में आ रहा है क्या, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1.44 है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, यस नो, तो ये यहाँ पे ये हमने कंप्लीट किया, क्लियर है गाइस, दैट इज व्हाट गाइस, दैट इज ये सभी ये बेसिक चीज थी रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी के बारे में, क्लियर ना, ये क्या था भाई, बेसिक था, इससे हमें एडवांस वर्जन में जाना है और यहाँ पे घुसना पड़ेगा हमें, तो ये हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, होप सो ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा, है ना, रुकता हूँ।